YouTube पे व्यू और सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल YouTube सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आपने ये शिकायत ज़रूर की होगी कि यार हमारा चैनल मोनेटाइज भी है और हमारी वीडियो पे व्यू तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आते, या फिर चैनल मोनेटाइज हो चुका है। कुछ वीडियो पे जिन पे व्यू बहुत अच्छे आए थे, जिनकी वजह से मोनेटाइज हुआ, वो तो ट्रेंडिंग कर रही है, लेकिन जब हम नई वीडियो डालते हैं वो हमारी ट्रेंड नहीं कर रही। तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या होता है, YouTube की एक पॉलिसी है, जैसे हमारे सब्सक्राइबर 1000 हैं और हमारी जो वीडियो हैं हमारे चैनल पे 50 या 70 या 100 जितनी भी वीडियो हैं, उनमें से क्या होगा, सिर्फ आपकी 10 या 12 वीडियो ही ट्रेंडिंग में जाएंगी, मतलब उन्हीं पे व्यू आएंगे। अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर है तो ये समझ लिए आपके 24 घंटे में 10 से 12 व्यू आएंगे, इससे ज़्यादा व्यू नहीं आएंगे। अगर इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के लेके आ रहे हैं, उनको व्यूज़ जेन्युइन नहीं है। जैसे कि अगर आपके चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर है तो समझ लीजिए 24 घंटे में आपके 5000 व्यू और 1 घंटे में आपके 50 व्यू आराम से आ जाएंगे। अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर है तो आपके 1 घंटे में 10 से 12 व्यू आएंगे। 5000 सब्सक्राइबर है तो आपके ये समझ लो 50 से 60 व्यू आएंगे। अगर आपके 2500 सब्सक्राइबर है, 2500 या 3000 सब्सक्राइबर है तो समझ लीजिए आपके 25 या 30 व्यू पर घंटे के हिसाब से ही आएंगे, और ये डे में आएंगे, सुबह शाम आपके थोड़े व्यू ग्रो कर सकते हैं लेकिन रात को वही ड्रॉप हो जाएंगे, एवरेज उतना ही मिलेगा। सपोज करो आपके 2500, ये समझ लीजिए आपके अगर 2500 सब्सक्राइबर है तो आपके जो 28 दिनों में या 48 घंटे में जो व्यू आएंगे, आपके अगर 2500 से 3000 के बीच में सब्सक्राइबर है आपके व्यू 48 घंटे में 500 से 600 ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल के हिसाब से ही व्यूज़ का मतलब वीडियो को ट्रेंडिंग में लाता है और वीडियो को इम्प्रेशन उतना ही अच्छा डालता है जितने हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, क्योंकि यूट्यूब को हमारा कोई स्पेशल ध्यान तो रखना नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं और सबके लिए उसने यही पॉलिसी बना रखी है। तो आपको अगर आप नए क्रिएटर हैं, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है, तो आपको व्यू की जगह चैनल के सब्सक्राइबर पर फोकस करना चाहिए। ये समझ लीजिए अगर आपके 10000 सब्सक्राइबर हो गए तो उसके बाद आपका चैनल ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर है तो रोज 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक सब्सक्राइबर मिलेगा YouTube की तरफ से, और अगर आपके 10000 सब्सक्राइबर हैं तो समझ लीजिए 100 सब्सक्राइबर आपको पर डे आराम से मिलते रहेंगे, जिससे कि आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी नहीं पता थी और आपकी जो प्रॉब्लम थी, अगर आपको उसका सोल्यूशन मिल चुका है इस वीडियो में, तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।